क्या डाउट है इसमें? अच्छा फर्स्ट वन क्या हुआ? इट इज डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बट क्वेश्चन गिवन एक्स डिग्री तो आप यू कैन डू इन टू डिफरेंट वे इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री में करो इफ यू कंसिडर दिस वन एज वाई तो डी आई बाई डी एक्स यू कैन राइट डी आई बाई डी एक्स डिग्री इंटू डीएक्स डिग्री अपॉन डीएक्स क्योंकि फंक्शन तो डिग्री में है रेडियन में तो नहीं है एक्स जो होता है वो रेडियन होता है ओके और आप एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो चेंज टू रेडियन क्या करना चाहोगे ये आपका फर्स्ट मेथड ये आपका सेकंड मेथड जो भी करना चाहोगे कर सकते हो फर्स्ट ओके तो इसको मैं लिख देता हूं डी बाय डी एक्स डिग्री ऑफ साइन एक्स डिग्री इंटू डी एक्स डिग्री अपॉन डी एक्स तो साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री में होगा तो कॉस एक्स डिग्री होगा इंटू अच्छा यू नो 180 डिग्री इज द पाई रेडियन 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 तो एक्स डिग्री क्या होगा पाई बाय 180 इंटू एक्स तो डी एक्स डिग्री मतलब आपका डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 180 इंटू एक्स समझे तो पाई एक्स बाई 180 को आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यू विल गेट पाई बाई 180 इनटू कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड वर्स ई रेस टू एक्स सेकेंड वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है कितना होता है क्या होता है वन अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ये था ना ना यूज तो वन अपॉन ई रेस टू एक्स का मॉड इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब ई रेस टू टू एक्स माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज दैट ई रेस टू एक्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ई रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसे ही था एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये था तो इट्स नेवर नेगेटिव तो मॉडुलस क्या आ जाएगा ई टू दी पर एक्स होगा तो अंडर रूट ई रेस टू टू एक्स माइनस वन कैंसिल
समझाइए। सिंपली पे
डन। हो गया? हाँ सर, हाँ सर। ओके, फर्स्ट वन में इतने सारे आंसर, सेकंड मैंने क्या बताया था, इफ एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स रहेगा, हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स, डी एफ बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे, तो एल एन वाई इज इक्वल टू, कभी भी पावर वेरिएबल रहेगा लॉगरिथम आपको लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स एल एन ऑफ एफ ऑफ, अब इसका डिफरेंशिएट करो, वन बाय वाई डिवाइड बाई डी एक्स, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ दिस, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस सॉरी प्लस ln of f of x into g of x, फिर आपको dy by dx चाहिए, y मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेथड हमेशा यूज किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था y is equal to x to the power x, तो ln y क्या होगा, x ln x not differentiate, तो 1 by y dy by dx is equal to x ln x का डेरिवेटिव 1 by x plus ln x x का डेरिवेटिव 1, that implies dy by dx क्या होगा, y into 1 plus ln x, फिर y की जगह रिप्लेस कर दो x to the power x all into 1 plus, e पर x कहाँ आ गया, x टू दी पर x, लेट सेकंड वन ऐसे ही होगा, लेट y इज इक्वल टू x टू दी पर 10x, लेट इंप्लाइज ln y होगा 10x ln x, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1 by y into dy by dx is equal to tan x into derivative of ln x 1 by x plus ln x into tan x का डेरिवेटिव x square x, dy by dx चाहिए is equal to y, y मतलब x to the power tan x, then tan x by x plus x square x into ln x, ये तो a to the power x जैसा कर दिया, थर्ड वन डोमेन नॉट गिवेन, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा, तो थ्री साइन इनवर्स एक्स होगा, थ्री साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो थ्री यू कैन टेक आउटसाइड, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यस
यहाँ पे डोमेन गया, कंडीशन इज देयर, तो ये किसका फॉर्मूला था? कॉस टू थीटा. cos inverse and 1 minus x square upon 1 plus x square. किसका फॉर्मूला था यहाँ पे? x less than 0 दिया गया, ये फॉर्मूला था 2 tan inverse x का फॉर्मूला. कितना था? cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. कंडीशन क्या था? इसके लिए कंडीशन क्या था? x greater than equal 0, x less than 0 होगा तो क्या था? ये सब याद रखोगे नहीं तो आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में फंस जाओगे. इनवर्स में 2 tan inverse x का फॉर्मूला क्या था? वही cos inverse फॉर्मेट में when x less than 0. नहीं हो रहा तो फिर करो ना, मतलब मैनिपुलेट करो, नहीं तो लेस देन जीरो को एक नॉन वैल्यू लेके चेक करो. व्हेन एक्स लेस देन जीरो, लेट अस टेक एक्स इक्वल टू 1/√3 माइनस 1/√3, तो ये 30 डिग्री होगा, सॉरी माइनस 30 इंटू 2, तो ये साइड में आ गया माइनस 60 डिग्री. ये साइड में चेक करो तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3 व्हिच इज 2/4 कॉस इनवर्स हाफ. कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? 60. ए साइड में माइनस 60, ए साइड में प्लस 60, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. क्या करोगे? पाई माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंडर, सॉरी 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो ये कंडीशन पर ये क्वेश्चन दिया गया, तो व्हेन x लेस देन 0, दैट मींस इफ x लेस देन 0 देन cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2 tan इनवर्स. तो इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, सो डेरिवेटिव माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछ रहा है कितना होगा? सर वो चाय आई थी माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x. सर x इक्वल्स टू tan थीटा से नहीं होगा ना? नहीं, वो कंडीशन वाला आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना. सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो विदाउट कंडीशन के लिए, जैसे यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्योंकि कंडीशन कुछ नहीं दिया गया, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दोगे. बट सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर ये कंडीशन रहना चाहिए ना, ये कंडीशन के साथ आपको फिर करना पड़ेगा. वो cos 2 थीटा दिखेगा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, तो हमेशा 2 थीटा नहीं होता है ना. cos इनवर्स cos x थोड़ी एक्स होगा, वो डिपेंड करेगा. आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स ऑलवेज. एक्स कब होगा? जब ये एक्स वैल्यू 0 टू पाई के अंदर रहेगा, तब जाके होगा. मोर देन पाई होगा तो नहीं होगा ना, तो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव, तो ये आंसर कभी भी नेगेटिव हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि cos inverse का रेंज पॉजिटिव होता है, 0 टू पाई होता है. यस, उधर तो कंडीशन वो लगेगा, ऐसा सब्स्टिट्यूट करो, बट वो भी देखना पड़ेगा ना. फिफ्थ वन, यहाँ पे आप सब कोई कंडीशन नहीं है तो यू कैन सब्स्टिट्यूट. ठीक है,
ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स, ये भी फॉर्मूला ऑफ टू टेन इनवर्स, क्योंकि sec इनवर्स में इसका रेसिप्रोकल दिया गया, yes. तो ये भी टू टेन इनवर्स एक्स होगा, तो टोटल हो गया फोर टेन इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव. कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट. Okay, find out.
देन नहीं यस सर फर्स्ट में हम क्या करेंगे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे tan theta हाँ tan theta sin theta let x equal to sin theta तो ये हो जाएगा cos theta upon sin theta cot theta cot inverse of 1 minus sin square theta upon sin theta plus sec inverse of 1 minus sin square. Which is d by dx of cot inverse of cot theta plus sec inverse of sec theta. Which is d by dx of ये theta plus theta, 2 theta. Okay. So, 2 d theta by dx. तो d theta by dx निकालो नहीं तो theta के जगह अब sin inverse sorry d theta by dx. Theta के जगह sin inverse x लिख सकते. d by dx of theta theta की जगह sin inverse x लिख सकते हो that is 2 upon under root 1 minus x ये किसका formula tan 3 theta tan 6 theta 3 थीटा जिसमें थीटा 2x होगा इस केस में तो इसको आप लिख सकते हो 3 into 2x minus 2x का whole cube upon 1 minus 3 into 2x per square so it is tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square किसका फॉर्मूला 3 tan inverse x का फॉर्मूला हाँ हाँ सॉरी x की जगह 2x x की जगह तो 3 का टेक आउट से tan inverse 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 plus x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर into derivative of 2x that is 6 upon 1 plus 4x square पार्ट फोर हुआ व्हेन माइनस वन टू जीरो व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन माइनस वन टू जीरो कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कैसे लिखोगे माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स पर cos inverse x को क्या लिखोगे माइनस
ये लिखोगे यही होता है। When x नेगेटिव cos इनवर्स x कहां पे रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कहां पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इज द नेगेटिव ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 180 माइनस थीटा फॉर्मेट आना चाहिए। पाई माइनस थीटा होगा। बाय चांस आंसर करेक्ट हो गया तो इसके जगह आप लिखोगे पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। ओके सर। फोर्थ वन क्या करोगे? जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करोगे? This one you can write d by dx of sine inverse x. You can write pi by 2 minus cos inverse x. हाँ सर। और ये किसका फॉर्मूला था? cos 2 theta। क्या क्या मतलब क्या? हाँ आउटकम क्या होगा? 2 tan inverse minus x। 2 tan inverse minus x क्यों? minus x कहाँ से आ गया? x हाँ हाँ x। अब इसका डेरिवेटिव पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 minus 2 upon 1 plus x। x lies in between root 3 by 2 to 1. Okay. d by dx of cosec inverse 1 upon 2x under root 1 minus x square. Root 3 by 2 to 1. Okay. If you consider this one, you can write d by dx of sine inverse reciprocal at jaga 2x into under root 1 minus x square. X ke jaga sin theta daloge, to ye ho jayega sin 2 theta. Let x is the sin theta. तो ये हो गया d by dx of sin inverse sin 2 theta d by dx of sin 2 theta मतलब 2 theta। So theta is what? Sin inverse x। When x lies in between root 3 by 2 to 1 theta का range कितना होगा? साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होगा? 60 to 90। तो टू थीटा का रेंज कितना होगा?
ये आपका थीटा, तो टू थीटा का रेंज कितना हुआ 122 180, है ना? हाँ सर। बट यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स का रिजल्ट आपको टू थीटा मिला, साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है? -90 to +90, ये रेंज के बाहर चला गया, तो ये साइन इनवर्स का आउटकम हो नहीं पाएगा क्योंकि 90 से ही बड़ा है। तो क्या करेंगे, ये एंगल कहाँ पे आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट पे। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या करेंगे, ये जो आप यूज करके साइन टू थीटा, आप इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा लिख नहीं पाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? इफ एक्स लाइज इन बिटवीन 90 to 90 plus pi, मतलब 3 pi by 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? 180 माइनस एक्स। yes. तो यहाँ पे होगा पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज द पाई माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस टू थीटा। यहाँ पे मैंने यूज किया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन पाई बाय टू टू थ्री पाई, है ना? तो हम जो ग्राफ किए थे याद है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे हुआ था ना? तो ये माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, इसके लिए वाई इज इक्वल टू एक्स, पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू, ये था वाई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो वो यूज किया पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह टू थीटा, तो पाई माइनस टू थीटा। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स कितना मिलेगा, ये तो जीरो हो गया, टू बार लिया साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स, ये होगा। इसका मैंने फॉर्मूला दिया था, अब देखो साइन इन टू साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला दिया था साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स इनटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर when x lies in between minus 1 by root 2 to plus 1 by root. If it is 1 by root 2 to 1, then ye tha pi minus sin inverse 2x upon under root 1 minus x plus. Ye tha. Maine formula diya tha. To abhi a interval ke andar hai. Jo maine interval diya root 3 by 2 to 1. Iska matlab a interval mein hai. To iske jagah aap kya likh sakte ho? Pi minus 2 sin inverse x. That you can use. आपको वो फॉर्मूला याद है तो सीधा आप इधर से लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स दिस बिकेम पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, समझाइए? इनवर्स इनवर्स ठीक से याद रखो, नहीं इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, उधर ही आपका फंस गया। समझा? हाँ सर।
फाइंड आउट।
डन। हाँ सर। ओके आई थिंक दिस इज रॉन्ग, वो हो सकता है। कौन सा डाउट है इसमें? इसको तो आप ये कर सकते हो ना, ये तो सेम दे देगा ये। फर्स्ट वन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव। ओके ये डेरिवेटिव क्या होगा? वन प्लस वन बाय टू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू टू एक्स। अब जो लिखे वो करेक्ट है, बट इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा देन यू विल गेट एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी पावर एन इंटू, ये भी वही आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू विल गेट पावर एन, एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट x square minus a square to the power n upon under root x square minus a square. Third one, kya hua? X lies in between 90 to 180. Then 1 minus sin x upon 1 plus sin x. Iska square root. Pehle isko simplify karo. रेशनलाइज करो, देन न्यूमरेटर होगा 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन फर्स्ट स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर, ये कितना होगा? 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स फर्स्ट स्क्वायर एक्स रूट ओवर माइनस कॉस एक्स। एक्चुअली इसका मॉड होता है, इसका मॉड होता है, ठीक है? बट साइन एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये वन माइनस साइन एक्स होगा, एंड ये इन दिस इंटरवल कॉस एक्स नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, सो दैट यू विल गेट टैन एक्स माइनस सेक एक्स। अब इसका डेरिवेटिव रखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स माइनस क्या मिला सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स। ओके वन बाई कॉस स्क्वायर साइन बाई कॉस स्क्वायर वन माइनस साइन एक्स। अच्छा करेक्ट है, करेक्ट। दिस वन यू कैन राइट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स चलेगा। वन माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को यू कैन राइट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यू कैन कैंसिल दैट इज ऑल करेक्ट। देन
फाइंड आउट।
क्या हुआ आगे क्या हुआ? First one, x is the a cos cube theta, y is the a sin cube theta, then divide by 1 plus divide by dx whole square, root over, answer in terms of theta. Okay. So divide by dx, we can write divide by d theta upon dx by d theta. Because y and x both in terms of theta. What is the dy by d theta? Iska derivative with respect to theta. Kitna hoga? 3a sin square theta into sin theta ka derivative, cos theta. Dx by d theta, derivative of this. 3a cos square theta into minus sin theta. तो 3 3 गॉट कैंसल्ड, x sin x cos कैंसिल होगा तो माइनस tan थीटा. क्वेश्चन दिया गया 1 plus di by dx का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट व्हिच इज 1 plus tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा रूट ओवर मॉड ऑफ sec थीटा. करेक्ट. Unlike second one, di by dx, again di by d theta upon dx by d theta. Di by d theta is the derivative. A into sine theta. 1 minus cos theta derivative sin theta
अपॉन ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा. इट इज साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा. दैट इज टेन थीटा बाय टू. थर्ड वन एक्स इज द थ्री कॉस अल्फा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा वाई इज द थ्री साइन अल्फा माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा. हाउ ए साइन थीटा न्यूमरेटर ना. हाँ वन का डेरिवेटिव जीरो ना. एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ अल्फा दिया गया. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स व्हेन अल्फा इज द पाई बाय थ्री. तो वही करेंगे डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी अल्फा अपॉन डी एक्स अपॉन डी अल्फा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री. डी बाय डी अल्फा इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा कितना होगा थ्री cos alpha minus 6 sin square alpha cos alpha dx by d alpha minus 3 sin alpha plus हो जाएगा 6 cos square alpha sin alpha at alpha is equal to pi by 3. अब 3 cos alpha common ले सकते हो. Then 1 minus 2 sin square alpha. Okay, sin alpha you can take common. Then 2 cos square alpha minus 1. Three, 3 got cancelled. Cos by sin. Cot alpha. Or ye. ये भी कॉस टू अल्फा ये भी कॉस टू अल्फा दिस टू गॉट कैंसिल. कॉट अल्फा अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री वन बाय रूट थ्री. फोर्थ वन एक्स इज द टी प्लस वन नो टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर and y is equal to t minus 1 by t then dy by dx. एक तो होता है dy by dx also you can write dy by dt upon dx by dt or express x in terms of y or vice versa. Express x in terms of y. X in terms of y. और y in terms of x. तो यहाँ पे हम easily x को in terms of y लिख सकते हैं. ठीक है. X is the t square plus 1 by t square. Can I make this one as t minus 1 by t का whole square plus 2? A minus B whole square plus 2AB that is A square plus B square. तो अभी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं y square plus 2. तो so x is equal to y square plus 2. आपको dy by dx चाहिए तो आपका मर्जी आप differentiate with respect to x करो कि differentiate with respect to y करो. आंसर कुछ टर्म फॉर्म में पूछा है क्या? इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछा है. ठीक है तो डी एक्स बाय डी वाई चलेगा. अब मैं वो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर देता हूं. तो ये होगा डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू 2y. Differentiate with respect to y क्या? तो ये 2y.
तो डी आई बाई डी एक्स क्या होगा 1/2y, विच इज 1/2y के जगह क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ x, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। ये प्लस 2 कहां से आया, इसमें भी कर सकते हो आप डीआई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी और एक्सप्रेस इन वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स और एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। इसमें मुझे थोड़ा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, लेट t इज इक्वल टू टेन थीटा, लेट t इज इक्वल टू टेन थीटा, देन साइन x इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, विच इज द टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन टू थीटा। तो x क्या होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, तो वन ऑफ द आंसर इज द टू थीटा। सिमिलरली टेन वाई, इसको इनवर्स में लिखना तो अच्छा रहता है, ठीक है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको मिला टेन टू थीटा, सो वाई वन ऑफ द आंसर इज द टू थीटा। तो फॉर दिस केस आपका एक्स इज इक्वल टू वाई, so dy by dx क्या हो जाएगा 1 होगा। x is equal to n pi, actually क्या होता है n pi plus minus 1 to the power n into theta होता है, ठीक है, actually one of the answer is the 2 theta, sin x is equal to sin 2 theta मतलब x होगा n pi plus minus 1 to the power n into, condition नहीं दिया गया तो नहीं, इसमें condition नहीं रहता है तो ये रहता है, but tan case में आपको y होगा n pi plus 2 theta, but आप इसके साथ जाओगे plus minus के साथ जाओगे तो ये आंसर कभी प्लस वन होगा कभी माइनस वन होगा, और के साथ जाओगे तो क्या लिखोगे, और पाई माइनस टू थीटा वाई इज इक्वल टू और पाई प्लस टू थीटा, इन दैट केस थीटा के जगह क्या लिख सकते हो x इक्वल राइट ऑड पाई माइनस टू थीटा, टू थीटा के जगह लिखोगे y माइनस ऑड पाई, मतलब ये जरूरी नहीं कि सेम होगा, बट एनी हाउ जो भी होगा ऑड प्लस ऑड इवन पाई माइनस वाई, दैट केस में माइनस वन आएगा, प्लस वन और माइनस वन दो केसेस आ सकते, आंसर दो आएगा प्लस वन और डी आई बाई डी एक्स, हम जनरल के साथ जाएंगे तो दो आंसर आ सकते हैं। चलो ऑलमोस्ट आपका हो गया, नेक्स्ट और एक टाइप का करेंगे, बाकी आपका पूरे मॉड्यूल इधर होमवर्क। चलो थैंक यू सर, बाय 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 सर, बाय।